अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज की गाल प्रोग्राम में मां हवां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, कराची में हलंदड़ टारगेटेड ऑपरेशन पुलिस पारा 80% कामयाबी जो दावाओं, सिंध हुकूमत पारा इत्मीनान जो इज़हार, ऑपरेशन दिखाजंदड़ आंगरिन खां पोए अॼोके प्रोग्राम में असां ॻाल्हाईंदासीं इन ऑपरेशन कहिड़ा नतीजा ॾिना आहिनि, अवाम इन मां केतिरो मुतमइन आहे, सियासी धुरियूं इन ऑपरेशन हवाले सां छा थियूं चवनि। अॼु असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि जमात इस्लामी अॻवान यूनिस बाराई साहब, वॾी महिरबानी अवांजी, अवां प्रोग्राम में आया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि नून लीग अॻवान राजा खलीक अंसारी, वॾी महिरबानी अवांजी, अवां प्रोग्राम में आया। यूनिस साहब, पहिरीं मां खां पुछणु चाहींदमि त जेको टारगेटेड ऑपरेशन कराची में कयो पियो वञे, इन हवाले सां तव्हां छा चवंदव त इहो ऑपरेशन कहिड़े तरफ़ वञी रहियो आहे? बहुत शुक्रिया सिन टीवी का और आपका भी कि आपने मौका दिया हमें कि कराची के आवाम के हवाले से और ख़ासतौर पर सिंध के आवाम कराची के जो सूरत हाल है उस हवाले से अपनी बहुत ही शदीद तशवीश रखते हैं और इसी वजह से ये सूरत हाल सामने आई कि सूबाई हुकूमत ने भी और फिर मरकजी हुकूमत ने भी इस पर संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि कराची के अंदर जो हालात हैं वो ऐसी अनारकी की तरफ जा रहे हैं कि जिसका कोई फिर इंतहा नहीं होगी। रोज़ाना जहाँ पर 15-20 लोग टारगेट किलिंग में मारे जा रहे हों और भत्ताखोरी जहाँ पर आम हो, ताजिर खुद चिल्ला उठे हों और एहतजाज पर उतर आए हों, और बुनियादी बात जब ये सूरतहाल सामने आती कि यहाँ पर वो लोग जो दावा करते हैं कि 85% हमारे पास मैंडेट हैं, वो जो है अगर क्या कहते हैं उनके नाम या उनके ये इन भत्ताखोरी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से या अपने टारगेट किलिंग के हवाले से उनके घरों तक जो निशानात पहुंचते हों कातिलों के पाँव के, तो फिर ये यकीनन जो है कराची के अवाम बेबस अपने आप महसूस करते हैं। वैसे तो कराची के अवाम हर हर हाल के अंदर आज सूरत आज ये है कि अपने आप को बेयार मदद कर पाते हैं। हुकूमतें जो है ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत भी देख लें, मरकजी हुकूमत देख लें, सूरत आज ये है कि इनका जो बुनियादी काम है, बुनियादी काम ये है कि आवाम को अमन अमान फराम करना, बुनियादी काम ये है कि उन्हें इंसाफ फराम करना, बुनियादी काम ये है कि उनके लिए ऐसे माहौल को क्रिएट करना जिसके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी खुश उसलूबी से इत्मीनान से गुजार सकें। वो आज उनकी सूरत आज ये है कि महंगाई उनके ऊपर है, बेरोज़गारी उनके ऊपर है, लोड शेडिंग उनके ऊपर है, CNG जो है उसकी कहते हैं वो अपने लोड शेडिंग भी उनके ऊपर है, और हर हर तरीके से जो आवाम परेशान हैं। ऊपर से फिर अगर ये जब भत्ताखोरी हो, दहशतगर्दी हो और कारोबार लोगों के बंद हो, तो फिर आवाम यकीनन ये सोचते हैं कि फिर हम क्या करें। यूनिस साहब, वही मेरा सवाल आपसे था कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशन कामयाबी की तरफ जा रहा है या जो नतायज लेना चाहना लिए जाने थे इस ऑपरेशन के हवाले से वो नतायज सामने आ रहे हैं, मिल रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर आप देख लें कि वो पार्टी जो क्या कहते हैं सबसे बढ़ चढ़ कर जो है इस हवाले से अपना दावा रखती थी कि क्या कहते हैं हम जो है ना क्या कहते हैं इसमें पूरी तरह साथ देंगे, मैं MQM की बात कर रहा हूँ, मुत्तहिदा कौमों की बात कर रहा हूँ, और फिर वो जितने भी इस हवाले से जो मीटिंग हुई हैं गवर्नर हाउस के अंदर हुई हैं, मियां नवाज शरीफ सदात में हुई हैं, कायम निशार बैठे हुए हैं, और इनके सामने ही तमाम इन क्या कहते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से प्रोटोकॉल तय हुए हैं। हालांकि MQM तो खुद ये कहती थी कि हम फौज को हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस हवाले से उस सूरत में तो हो सकता है कि फिर MQM भी जो है ना अपने आप को बेबस पाती कि फौज होने की सूरत में फिर अदलिया भी बेबस हो जाती और हुकूमत भी इंतजामिया भी बेबस हो जाती, आइनी तौर पर बहुत सारी मुश्किल पेश आती कि फौज अगर आ जाती। लेकिन अगर फौज फौज को नहीं लिया गया है, रेंजर्स को लिया गया है, पुलिस को लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अदलिया का दरवाज़ा खुला हुआ है और बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है और MQM एहतजाज भी कर रही है। तो कहने मकसद कि इसके बाद भी अगर आज MQM खुद ही सबसे ज़्यादा जो है उसकी मुज़ाहमत कर रही है, तो हम बहर समझने मजबूर हैं कि MQM इस हवाले से मुखलिस नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत का भी रवैया ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि वो ख़ास तौर पर रेंजर्स है या पुलिस है, वो अब तक अपना कोई किरदार सामने नहीं लेकर आ सकी है कि जिसके ज़रिए हम समझें कि कराची के अवाम को अमन मिलने लगा है। आज भी सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ वही चल रही हैं, वही एहतजाज कराची पुलिस पारा भी यह दावा कई वही है तो भत्ताखोरी की वारदातों में 80% घटताई आई है, कामयाबी तरफ वे पे ऑपरेशन, तुम इन हवाले से चवंदो?
ॾिसो इन में त को बि शक न आहे त जेका ऑपरेशन मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जे एक्शन वठण खां पोइ ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जॾहिं इन में ज़ाती इंट्रस्ट वरितो ऐं पंहिंजो सीरियसनेस उन्हनि शो कई, पाण कराची आया, पाण मीटिंग्स कॉल कयूं, सभिनी मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि सां मिलिया ऐं जेतिरा बि स्टेक होल्डर्स हुया कराची में उन्हनि सभिनी सां मिलिया, पंहिंजी जमात जे माण्हुनि सां मिलिया ऐं उन्हनि हिकिड़ो प्लैन तयारु कयो। वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास हिते थियो कराची गवर्नर हाउस में ऐं जेका ऑपरेशन उन जे नतीजे में शुरू थी आहे कराची में ऐं सभिनी इलाइक़नि में, यानी उहे इलाइक़ा जेके मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जे असर हेठि आहिनि, उहे इलाइक़ा जेके पीपल्स अमन कमेटी जे असर हेठि आहिनि, उहे इलाइक़ा जेके ANP जे असर हेठि आहिनि, सभिनी इलाइक़नि में ऑपरेशन थी आहे ऐं क्रिमिनल एलिमेंट्स जे मथां ऑपरेशन थी आहे। जेके जेके बि इन क़िस्म जी या पुलिस खे या कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि खे जेके इंफॉर्मेशन हुयूं ऐं टारगेटेड ऑपरेशन थी आहे, ईअं इन क़िस्म जो ऑपरेशन न थियो आहे जंहिंमें मासूम माण्हू मुतासिर थियनि, इन क़िस्म जो ऑपरेशन न थियो आहे जंहिंमें तव्हां सावनि सां गॾु सुका बि जंहिंमें चवंदा सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ी वञनि, इन ईअं न थियो आहे। टारगेटेड थियो आहे जेके ॾोही आहिनि, जेके क्रिमिनल एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु टारगेटेड ऑपरेशन थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में तमामु घणी हद ताईं शहर में अमन अमान क़ाइमु थी सघियो आहे। पर अञा छो जो इहो ऑपरेशन खे तमामु थोरा ॾींहं गुज़रिया आहिनि ऐं इन ऑपरेशन जे नतीजे में कराची जी हिकु जमात वाधेला करणु शुरू करे छॾी आहे त बाबा हाणे गल घोड़ा असां मज़लूम थी वियासीं, हीअ ऑपरेशन असांजे ख़िलाफ़ु आहे ऐं वरी कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि जे मथां कोर्टुनि जे ज़रिए प्रेशर विझण जी कोशिशि पिया कनि त असांजी उहे टेलीविज़न्स खणी आहिनि, LCD खणी आहिनि, सामान खणी आहिनि, कंप्यूटर खणी आहिनि असांजे ऑफिसुनि मां। इन क़िस्म जो जेको ॿिए तरफ़ां हिकिड़ो आयो आहे, ऐं सम्झां थो त उन में कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत जी न सिर्फ़ु सरपरस्ती ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी सहकार उन्हनि सां हुजणु घुरिजे, बल्कि अवामुनास जेके कराची जा जेके माण्हू आहिनि, अवाम आहिनि, जेके ॿियूं जमातूं आहिनि कराची में, उहे सभु हाणे रेंजर्स ऐं पुलिस सां गॾु उन्हनि खे बीहणु घुरिजे, उन्हनि खे शाबाश ॾियणु घुरिजे, उन्हनि खे इहो पैगाम ॾियणु घुरिजे त तव्हां बिल्कुलु न घबरायो, असां तव्हां सभु सॼो अवाम पार्टियूं ॿियूं जेतिरियूं जमातूं आहिनि तव्हां सां गॾु आहियूं, तव्हां हर क्रिमिनल एलिमेंट जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन कयो, जीअं चंद ॾींहनि अंदरि एतिरा बहितरीन रिज़ल्ट मिली सघिया आहिनि। ऐं सम्झां थो त जेकॾहिं इन जो अवाम बि साथ ॾिनो ऐं सभिनी जमातुनि, बाराई साहिब जी जमात आहे, सिंध जूं कॉम्प्रेस जमातूं आहिनि, ॿियूं कराची जूं जेके जमातूं आहिनि, मज़हबी जमातूं आहिनि, इन्हनि सभिनी जॾहिं इन ॻाल्हि ते ॿाहिरि निकिरी आया ऐं इन्हनि इहो साथ ॾिनो कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि जो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो, ऐं सम्झां थो त असांखे 100% नतीजा मिलंदा। ख़लीफ़ साहब, दावाऊं कयूं पई वञनि त वॾनि ॾोहारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, छा लैंड माफ़िया या ड्रग माफ़िया ख़िलाफ़ का कारवाई कई वई आहे या इन तरह जा जेके ॾोहारी पकड़िया विया आहिनि इन्हनि ॾोहनि में मुलविस, त उन्हनि खे अवाम जे साम्हूं छो न आंदो वियो आहे या मीडिया खे छो न ॿुधायो वियो आहे? ऐं जेके रिपोर्ट पुलिस पारां कई वई आहे त गाॾियुनि जी चोरियुनि में 25% मोटर साइकिलनि जी चोरी में 16-17% घटि आहे, तव्हां सम्झो था त इहे दहशतगर्दी जे ज़मरे में ॾोह नथा अचनि? इहे त नंढा नंढा स्ट्रीट क्राइम आहिनि, ॾोहारी सरगर्मियूं आहिनि, जेके नंढा नंढा ॾोहारी बि कंदा त उन सॼे तसलसुल खे इन में ॻंढिजे त असां दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जेको असां कामयाबी तरफ़ वञूं पिया, तव्हां सम्झो था त नाइंसाफ़ी थींदी छो त कराची में या सॼी सिंध में ॾोह जेके थियनि था उहो सभिनी खे दहशतगर्दी वारे हदफ़ ते नथो आणे सघिजे? बिल्कुलु नथो आणे सघिजे। इहो ई सबबु आहे त जॾहिं तव्हां तमामु वॾी ऑपरेशन करणु वेंदा आहियो या हिकिड़े वॾे मक़सद खे हासिलु करणु वेंदा आहियो त लाज़मी अलाए नंढा नंढा मक़सद पोइ नज़रअंदाज़ थी वेंदा आहिनि। जेको नंढो क्रिमिनल आहे, जेको स्ट्रीट क्राइम में मुलविस आहे, या जीअं तव्हां चयो त जेको लैंड माफ़िया जो तव्हां ज़िक्र कयो त लैंड माफ़िया जेको केसिस आहिनि उहे थोरा डिफ़रेंट आहिनि, छो जो उहो क्राइम अगेंस्ट स्टेट नाहे, उहो क्राइम अगेंस्ट पार्टी आहे। कंहिं न कंहिं माण्हू जी ज़मीन हूंदी, उन ते कंहिं कब्ज़ो कयो हूंदो, पोइ उन्हनि जो थी सघे थो त हिक ॿिए सां लेन देन जो मसलो हुजे, थी सघे थो त हुननि पाण पोज़ीशन ॾिनी हुजे ऐं पोइ कुझु शयुनि ते नाराज़गी हुजे त उहो हिक ॿिए जी पोज़ीशन ख़ाली न कंदा हुजनि। मां कानून जे शोबे सां बि वाबस्तु आहियां त मुंहिंजे नज़र में इन क़िस्म जा केसिस गुज़रंदा रहंदा आहिनि त इन इहे जेके इलीगल पोज़ीशन जा जेके केसिस आहिनि उहे अगेंस्ट हूंदा आहिनि कंहिं न कंहिं पार्टी जे फर्दनि जे विच में आहिनि। त ऐं जॾहिं सभु लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, इहे सभु इदारा, रेंजर्स, पुलिस, इहे सभु हिन वक़्तु दहशतगर्दी जेको एलिमेंट आहे कराची में उनखे ख़तमु करण में लॻा पिया आहिनि, ॿिए तरफ़ असांजी जेका फ़ौज आहे, आर्मी आहे, उहा मथे नॉर्दर्न एरियाज़ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन में मुलविस आहे, उन में मसरूफ़ आहे। त आउं सम्झां थो त इहे सभु जॾहिं तवजा उन तरफ़ आहे त नंढा नंढा क्राइम ज़रूरु कंहिं न कंहिं जॻह ते वधिया हूंदा, पर इन जो हरगिज़ इहो मतिलबु न आहे त कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारा इन ॻाल्हि खे बहानो बणाए उन तरफ़ अखियूं बंदि करे छॾनि। उन तरफ़ बि तवजा ॾियणी आहे, पर हिन वक़्तु जेको असांजो प्रोग्राम जो मौज़ू आहे जंहिं ते करे असांखे सॼा सिंध जा माण्हू हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहिनि त कराची में
जेके पार्टियों बरसर इक़्तदार रहियूं आहिनि गुज़िरियल 5 साल ऐं हाणे बि उन्हनि जी जेका नुमाइंदगी आहे उहा असेंबली में मौजूदु आहे ऐं उहे ई पार्टियूं जेकॾहिं ऑपरेशन जी मुखालफ़त वेही कंदा त आउं सम्झां थो त पोइ इहो सॼो इन सॼे अमल खे मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जो जेके स्टेप मियां साहिबु खयों आहे उन सॼे स्टेप खे उन सॼी संजीदगीअ वारे मामले खे आउं सम्झां थो सबोताज करण जी साज़िश थींदी आहे। सिंध हुकूमत मुतमइन आहे ऑपरेशन जे हवाले सां, पुलिस जूं कामयाबी जूं दवाऊं बि साम्हूं अचनि पियूं, पर पोइ बि एम क्यू एम पारां इन ऑपरेशन खे जेको आहे सो इन ऑपरेशन जी मज़म्मत कई पई वञे, चए पियो वञे त इहो ऑपरेशन 99/98 जो ऑपरेशन जहिड़ो आहे ऐं असांजे ख़िलाफ़ जेको आहे ऑपरेशन थी रहियो आहे, जॾहिं त इहे ई धुरियूं सभु मुतफ़िक़ हुयूं त कराची खे ॾोहारनि खां पाक कयो वञे, दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवाई कई वञे, जॾहिं कारवाई थियनि थियूं त इन तरह जूं दाऊं छो थियूं साम्हूं अचनि। दरअसल इसमें तो मैं समझता हूँ कि एम क्यू एम ही से शायद बात करें तो ज़्यादा बेहतर है कि जिसका दावा है कि 85% मैंडेट कराची का हमारे पास है, हालांकि उसकी भी सूरत हाल ये है कि जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है, धांधली का मैंडेट है, और ख़ास तौर पर 11 मई का जो इंतखाब है उसके हवाले से तो तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग एमक्यूएम हर एक ने जो है ना कहा था कि इसमें ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ ही नहीं है, धांधली हुई है इसके अंदर, और क्या कहते हैं सब के सब पार्टीज ने एहतजाज किया है, जमात इस्लाम ने बायकॉट किया है इस हवाले से। तो अगर इस इलेक्शन के बेस के ऊपर कोई अगर ये बात कहता है कि 85% अगर वो कराची का मैंडेट है तो फिर तो 85% ही कराची के मामला के अंदर वो इन्वॉल्व है, तो फिर तो 85% उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसका कहते हैं क्लेमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल एक ऐसा अमल है जिसको मैं समझता हूँ कि एम क्यू एम जो है अपने जो जो चेहरा वैसे ही खुल चुका है, जो एक दहशतगर्द चेहरा है, जो एक ऐसी फासिस्ट पार्टी का चेहरा है, आप मालूम है आपको कल ही जो कहते हैं अपने इमरान फारूक की जो साहब की जो बरसी मनाई गई है उसके अंदर भी सूरत हाल ये है कि खुद बरतानवी अखबार जो है वो बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड वो वाजे तौर पर कह रहे हैं कि इमरान फारूक चूंकि सियासी पार्टी बना रहे थे इसलिए उसको कत्ल किया गया। और ज़ाहिर है जो पार्टी अपने अंदर अपनी मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर कराची के अंदर 85% जिसका अगर वो कहती है कि मेरा स्टेक है वो कराची के अंदर क्या कुछ नहीं कर रही होगी। तमाम भत्तों के पीछे अगर आप देखें तमाम क्या कहते हैं टारगेट किलिंग के पैसे मतलब यहाँ आपको कामरान माधुरी भी नज़र आएंगे, आपको यही जियो का जो है वली खान बाबर उसका अभी मालूम है कि इनके जितने भी गवाह थे सारे सारे जो है ना वो खेद गए। तो कहना मकसद ये है कि ये तो अजर में शम्स है। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसको ऐसे अप्रोच द बोर्ड होना चाहिए, किसी के साथ शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी एक के खिलाफ हो, लेकिन ठीक हो रहा है ना भाई साहब, ठीक हो रहा है, आप ये तो माने ना कि ठीक हो रहा है ऑपरेशन उस पार्टी को जो क्या कहते हैं जिसके जब से जो आई है कराची के अंदर हड़तालें, कराची के अंदर भत्ताखोरी, कराची के अंदर टारगेट किलिंग, ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर लोग बहरल ये तकाजा करते हैं ना, नाम नहीं ले सकते नामालूम, लेकिन मसल सारे कुछ वो नामालूम लोग मालूम है कौन कर रहा है, और उन नामालूम तो आप समझ रहे हैं कि नामालूम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पकड़ में आ रही है, होना चाहिए, लेकिन अब भी मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे आपने खुद बताया आपको कि कोई वो अफराद जो वाकई को क्रिमिनल हैं जो क्या कहते हैं टारगेट किलर हैं उनको तो आपने देखा होगा सोलत मिर्ज़ा है या क्या कहते हैं कामरान माधुरी या जिससे दुगर लोग हैं उनकी जमानत तो हो चुकी है, वो तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसमें हुकूमत का तो दोष नहीं है ना अगर वो अदालत उन्हें जमानत दे रहे हैं तो। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक जो बैठूंगा ब्रेक। साहब जॾहिं त सभई धुरियूं ऑपरेशन ते मुतफ़िक़ बि हुयूं त ॾोहारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो वञे, उन खां पोइ जॾहिं ऑपरेशन शुरू थियो त इन तरह जी वावेला साम्हूं आई, उन खां पोइ सिंध जे गवर्नर इशरत लिबाज जो इस्तीफ़ो जेको आहे इन जी ख़बरूं मीडिया में अचणु शुरू थियूं, तव्हां सम्झो था त इहो एहतजाज जो जेको सिलसिलो आहे उन ई कड़ी सां मिले थो ऑपरेशन जे ख़िलाफ़? ॾिसो मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां ऐं सिंध जे सभिनी जेके तबक़ात आहिनि जेके प्रोग्राम ॾिसी बि रहिया आहिनि हिन प्रोग्राम जे तवसुत सां, त जॾहिं ममनून हुसैन साहब खे सदर करण जो फ़ैसिलो कयो वियो ऐं ममनून हुसैन साहब असांजे पार्टी जे चंद रहनुमाउनि सां गॾिजी
9-0 ते वया हुआ त सिंध जे दानिश्वर सिंध जे सहाफ़ी सिंध जो जो अहले कलम अहले इल्म मानू आहिन उन्हनि समेत सिंध जे आम माण्हूअ बि असांखे तनक़ीद निशानो बणायो हुयो त बाबा हाणे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब एम क्यू एम सां मिली वियो एम क्यू हालांकि असां हिकिड़ो वोट वठणु विया हुआसीं उहो बि उन सूरत में बल्कि शुक्रिया अदा करणु वियासीं हुननि अॻु में फ़ैसिलो करे छॾियो त असां वोट सदारत जो ॾींदासीं ऐं प्राइम मिनिस्टरशिप जो वोट बि उन्हनि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे ॾिनो हुयो पर थोरे ई अरसे खां पोइ ऐं सम्झां थो त असां सुरख़रू थिया आहियूं सिंध जे माण्हुनि जी अखियुनि में उन्हनि जी नज़रुनि में त जॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब फ़ैसिलो कयो त हाणे असांखे कराची में ऑपरेशन करिणो आहे ऐं हीअ जेके रोज़ लाश किरनि पिया कराची जी घिटियुनि में हाणे इन सिलसिले खे बंदि थियणु घुरिजे ऐं जॾहिं हुन पंहिंजी संजीदगी जो मुज़ाहिरो कयो पाण हिते आयो ऐं सम्झां थो त हुन जे नतीजे में जेका वावेला थी आहे उहा वावेला दर हक़ीक़त इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब न एम क्यू एम सां को ठाह कयो आहे न एम क्यू एम सां को हुननि हथु मिलायो आहे न एम क्यू एम खे को पंहिंजो जेको आहे सो गवर्नमेंट में शामिलु करणु वञनि पिया मसिलो इहो आहे त एम क्यू एम बहरहाल सिंध असेंबली में क़ौमी असेंबली में अक्सरियत पंहिंजो अददी उन्हनि जी हिकिड़ी आहे नुमाइंदगी आहे ऐं उहे मौजूदु आहिनि सिर्फ़ु इन हैसियत में उन्हनि सां छो जो स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सां माण्हू किथे न किथे कंहिं न कंहिं वक़्तु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ॻाल्हियूं करणियूं पवनि थियूं बाक़ी अहिड़े का कंहिं बि क़िस्म जी सूरत हाल नाहे त असां को उन्हनि खे गवर्नमेंट में शामिलु पिया कयूं ऐं सम्झां थो त कराची जी ऑपरेशन खां पोइ जेका वावेला एम क्यू एम तरफ़ां जेका शुरू थी आहे इहा बि इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त असां हीअ जेका ऑपरेशन करे रहिया आहियूं इहा ऑपरेशन कंहिं ख़ासि कंहिं हिकु पार्टी जे ख़िलाफ़ु न करे रहिया आहियूं बल्कि इहा ऑपरेशन सभिनी धुरनि जे ख़िलाफ़ु थी रही आहे हाणे हिन में हिकिड़ो फैक्टर आहे उनखे असां थोरो नज़रअंदाज़ पिया कयूं उहो इहो आहे त बहरहाल हीअ ऑपरेशन जो इनिशिएटिव वठणु फ़ैसिला साज़ी में हर शइ में मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जो पर्सनल इंट्रस्ट बि हुयो ऐं उन्हनि उहो सॼो करायो बि पर बहरहाल हिन ऑपरेशन खे जेको हेड करे पियो उहो क़ाइम अली शाह साहब पियो करे जेको पीपल्स पार्टी जो वज़ीर आला आहे हाणे असांखे मियां साहब ते प्रेशर रखण खां वधीक प्रेशर पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ते रखणु घुरिजे त हू असांखे इन ऑपरेशन मां रिज़ल्ट खणी ॾे ॾिसो न मां ब्रेक खां अॻु में जेका जॾहिं मां ॻाल्हायां पियो त बाबा अवाम खे बि साथ ॾियणु घुरिजे सियासी पार्टियुनि खे साथ ॾियणु घुरिजे उहो त पंहिंजी जाइ ते थींदो उहो त हिकिड़ो मॉरल सपोर्ट आहे न पर जेका स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जेका कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि खे मिलणु घुरिजे उहा हुकूमत वक़्तु ॾींदी यानी पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ॾींदी ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत गुज़िरियल 5 साल एम क्यू एम सां गॾु हुकूमत में वेठी हुई हुननि जा ला मोहला किथे न किथे इंट्रेस्ट जेके आहिनि उहे हिकु जहिड़ा हूंदा हिकु जेतिरा इंट्रेस्ट हूंदा ऐं सम्झां थो त सिंध जे माण्हूअ खे इन ते बि नज़र रखणु घुरिजे ख़ासि तौर ते असांजे दानिश्वर खे असांजे सहाफ़ी खे असांजे कलम जे धणियुनि खे त बाबा हिन वक़्तु जेको ऑपरेशन खे हेड पियो करे या जेके माण्हुनि जिन जा माण्हुनि जा हिन सॼे ऑपरेशन ते जेके आई वॉच आहे उहो त आहे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत पर ख़ालिक़ साहब इहे बि ख़बरूं मीडिया में रिपोर्ट थियूं त जॾहिं गवर्नर इशरत लिबाद जो इस्तीफ़े जी ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां गवर्नर सां राबितो कयो वियो हुनखे कमु टारगेटेड ऑपरेशन ताईं कमु जारी रखण ते जेको असां हुनखे राज़ी करण जी कोशिशि कई वई आहे इहे बि ख़बरूं रिपोर्ट थियूं त उन्हनि खे इहा बि ख़ातिरी कराई वई त जेकॾहिं इन ऑपरेशन जी कमांड सिंध जे वॾे वज़ीर वटि आहे त गवर्नर बि इन ऑपरेशन खे जेको आहे सो वॉच करे सघे थो उहो बि निगरानी ते मामूर कयो वेंदो हुनखे न गवर्नर साहबु इन ऑपरेशन खे मामूर ते न आहे या हुनखे निगरानी ते न आहे हा हिकिड़ी इहो साम्हूं ज़रूरु आयो हुयो काबिनेट जे इजलास में ऐं उनखां पोइ ए पी सी में बि त हिकिड़ी कराची जे इन सॼे ऑपरेशन जे मुतालिक़ हिकिड़ी कमेटी जोड़णु घुरिजे जंहिं कमेटी में न्यूट्रल माण्हू हुजनि जेके इन कमेटी ते नज़र रखनि ऐं इन सॼे ऑपरेशन ते नज़र रखनि ऐं उहा कमेटी ॿुधाए त आया ही ऑपरेशन टिल्ट डाउन त कंहिं ख़ासि कंहिं ख़ासि जॻह ते कोन थी थिए या कंहिं ख़ासि धुर जे ख़िलाफ़ु त कोन थी वञे या कंहिं ख़ासि धुर खे फ़ाइदो त कोन थो पहुचे उन जे मथां उहा कमेटी ज़रूरु जुड़णी हुई जेका कुझु वजूहात जी वजह सां न जुड़ी सघी आहे न अहिड़ी का बि ख़ातिरी न आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु अर्ज़ु कयां थो ॾिसो न असां लाइ तमामु गोल्डन चांस हुयो तमामु अशरत लिबास साहबु इस्तीफ़ा ॾेई छॾी असां त पंहिंजी पार्टी जो को माण्हू गवर्नर ठाहे छॾियूं हा ॻाल्हि इहा न आहे ॻाल्हि इहा आहे त इन ई ॻाल्हि में जॾहिं जेकॾहिं असां अशरत लिबास खे चवंदा तूं पंहिंजो कमु जारी रख इन सां इन में ई असांजी नेकनियत साम्हूं अचे पई त असां शयुनि खे डिस्टर्ब नथा करणु चाहियूं असां नथा चाहियूं त हाणे हिन वक़्तु असां गवर्नरशिप वारे मामले में उलझी करे हेॾे वॾे जेको नेक कमु आहे जेको कराची खे अमन अमान ॾींदो जेको कमु उनखे असां सबोताज करे छॾियूं या उनखे असां पसे परदा विझी छॾियूं इन करे असांजी जेका फोकस आहे असांजो जेको सॼो जेका तवजो जो मर्कज़ आहे उहा ई कराची जी ऑपरेशन आहे असां चाहियूं था त इन सां माण्हुनि खे रिलीफ़ मिले बाक़ी रड़ियूं त ॿिन्ही तरफ़नि खां थियनि थियूं मिसाल तौरु जेकॾहिं असांजी पार्टी अञा पंहिंजी पार्टी जे अंदरि इहा फ़ैसिला साज़ी जी हले पई या असांजी लहर हले पई असां ममताज़ भुट्टो साहब खे गवर्नर करणु चाहियूं था त पीपल्स पार्टी खे छो हिन ते एतिराज़ आहे छो था रड़ियूं कनि रोज़ शर्जील मेमन साहबु रड़ियूं पियो करे त बाबा तव्हांजो छा वञे असां ममता भुट्टो साहब खे असांजे गवर्नर कयूं था तव्हांजो हुन में को असांजो इंटरनल मामिलो आहे न
मामलो ये बात असा ममताज पार्टी ममताज भुट्टो साहब के गवर्नर थी करे या पार्टी कें अस उर्दू गलंदड़ भा के करे थे गवर्नर वो तो पार्टी जो मामलो थी नो ना तहां असा ने मामलन में इंटरफेयर छो पया कियो सो ये बिनी तरफन का ये वावेला थन पया और समझा तो असा के पांजो जो को फोकस आ है वो हन कराची वाले ऑपरेशन ते करन गुरजे यूनिस साहब कराची में इन खा अग में भी जो सो हथियार डोहारन खिलाफ टे वा ऑपरेशन थी चुका है पर के नतीजा सामू न अची सकिया उन ऑपरेशन जो नतीजा सामू न अचण जा केड़ा सबब है सबब तो यो है कि इखलास के साथ पांच सौ देर इज विल देर इज अवे विल कौन भी सियासी मुफादात सियासी मुफाहमत ये असल में बुनियाद रही है और जिसकी बुनियाद पर जब अगर कोई कार्रवाई भी होती है तो इसमें बहुत सारे मसलतें भी सामने आ जाती हैं बहुत सारी हरकतें हैं वो सियासी मुफादात को भी फिर देखा जाता है और यही सूरत हाल रही है जिसकी बिना पर कराची ने या सिंध के वो इलाके जो शहरी आबादी के हैं वो वहाँ बहर सच्ची बात तो ये कि अमन लोग इंतजार कर रहे हैं शायद अमन मिल गया उनको और बदकिस्मती ये है कि अब भी कराची के अवाम या सिंध के अवाम मौजूदा ऑपरेशन से कोई कहते हैं बहुत अच्छी उम्मीद लेकर सामने अपने अपने अंदर नहीं पा रहे बुनियादी तौर पर तो ये है कि देखें मसला सारा ये है कि जब तक 12 मई 2007 जब यहाँ पर चीफ जस्टिस आए थे और उस वक्त जो है वजारत दाखिला एमकेएम के पास थी और वसीम अख्तर साहब मुशीर थे उस वक्त उन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट में मुजाकरात करते हुए वाजे तौर पर कहा था कि अगर चीफ जस्टिस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 200 लाशें गिरेंगी उसको जो है ना मैं कहता हूँ बदकिस्मती ये है कि उसको भुला दिया गया है हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भुला दिया अगर उसी दिन के जो है ना वो इंटरव्यूज हैं या वो गुफ्तगू है वही अगर रिकॉर्ड निकाल के लेकर आते तो पता चल जाता है कातिल कौन थे जो उस दिन जो है मौजूद फिर 12 रबीउल अव्वल का वाक़ यहाँ होता है आशूरा का यहाँ वाक़ होता है इन जब तक उन बड़े बड़े वाक़ात के जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो ये तो सिर्फ लिपापोती है और इस लिपापोती में भी मजे की बात यह है कि वो पार्टी जो क्या कहते हैं इस सारे जुल्म की जिम्मेदार है इस जो सारी बत्ताखोरी दहशतगर्दी की जिम्मेदार वही अब मजलूम बनकर आवाम के सामने आ रही है कि हम पर ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है तो ये तो इसकी बेनिफिशरी तो यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई ना इसकी बेनिफिशरी तो एमकेएम हुई तो ये कराची के आवाम के साथ कौन सी भलाई हो रही है ये तो फिर एक मखसूस तौर पर ढकेला जा रहा है ना कि एमकेएम ने यूनिस साहब तहां जी पार्टी ने ऑपरेशन में मुतमईन है देखिए हम चाह रहे हैं कि ऑपरेशन गैर जानबदार होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और इसमें जो अदल इंसाफ का जो पहलू है वो नजर आना चाहिए और ऑपरेशन गैर जानबदार अभी तक तो मैं समझता हूँ आवाम के लिए कोई ऐसी खुशी की खबर इस एमकेएम इस ऑपरेशन के अंदर सामने नहीं आई है बट किस किस्म का टारगेटेड ऑपरेशन है कि लोग हमारे पास जो है ना परेशान होकर आते हैं कि भाई क्या कहते हैं फला को उठा लिया गया और वो बेगुनाह बेचारा उसके लिए फिर आदमी दौड़ भाग करे तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से दोबारा जो है इस शेयर को भत्ताखोरों के हवाले कर दिया जाए दोबारा देश खलीक साहब तां छा चवनो यूनिस साहब जी ने गाल थे जो ऑपरेशन सही सम तरफ न पे वनी या केडी कोता आई वन दिसो असाई आयो जिनके साने साथ जानो आए कानून नाफिज कर इदारन जो मां समझा तो रवैया पहरियों का डिफरेंट आहन पहरियों का तब्दील आहन ऑपरेशन्स तो कराची में वक्तन फवक्तन पीपल्स पार्टी जमाने भी सो कॉल्ड ऑपरेशन थन पयूं पर उ रवैया मुख्तलिफ हुआ रेंजर्स या पुलिस जैसे गिरफ्तार कंदी हुई कें भी सियासी जमात जो कें कारकुन के तो उनके फोन अची वी उनके छदाई वा हुआ उनके साइकोलॉजिकल असर भी हो तो बाबा सियासी जमातुन जहाँ उारकुन जो इन किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस हुआ वो समझन पाया था बाबा असो भी कहे बस फबी वो असि पार्टी वा छदाय वा पर हाँ घट में घट ये को समझा तो यहाँ गाल यूनिस भराई साहब के मन घुर्जे तो एमक्यूएम जो एक सबक MPA जो है वो गिरफ्तार थो है उनते कें भी किस्म जो प्रेशर है वो को वरत वो इन कर समझा तो कानून नाफिज कर इदारा उन्हें हाँ सभी जमातू खास तौर पर जमा इस्लामी है
जमियत उलमा इस्लाम है जे कराची में बियूं जेके जमातूं आहिनि कॉम्प्रेस जमातूं आहिनि असांखे हाणे उन्हनि जी फेवर भी करणी पवंदी उन्हनि जो साथ भी ॾियणो पवंदो त जीअं पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जेका इहो सॼो ऑपरेशन खे लीड बहरहाल करे पई उन ते बि प्रेशर थिए ऐं कानून नाफ़िज़ करणु इदारनि जी बि दिलि ख़ुशि थिए या उहे जमा मर्दी सां अञा वधीक रिज़ल्ट असांखे ॾेई सघनि पर जेकॾहिं असां हाणे खां ई तनक़ीद करणु शुरू कंदासीं अञा ऑपरेशन खे चंद ॾींहं गुज़रिया आहिनि ऐं असां हाणे खां ई तनक़ीद करणु शुरू कंदासीं या असां चवंदासीं त न अवाम खे अञा का ख़ुशख़बरी न मिली आहे भले अवाम खे छा छा ख़ुशख़बरी मिली आहे संजीदगी तव्हां हीउ ॾिसो ज़रा की बाबर गौरी साहिब जो आहे वज़ीर आज़म जी जो की ऑपरेशन जे हवाले सां जो मीटिंग थी हुई आहे उनमें हलीम पाण हलायो आहे त हुननि जे हवाले सां क्लियर पिक्चर आहे मतिलबु जंहिंजो तस्दीक तरदीद न कई वई ॿुधो ॻाल्हि ॿुधो गुज़िश्ता पंज साल जे अंदरि तव्हां इहे बि ॾिठा हूंदा के पी एन एस बिल्डिंग में ॿ दफ़ा जो आहे न बाबर गौरी वारी ऑफिस जे अंदरि आग बि लॻी चुकी आहे हुते रिकॉर्ड बि ज़ाहिर थिया आहिनि चवणी मतिलबु इहा आहे की बाक़ाइदा हीउ हिकिड़ो बिज़नेस थियो आहे ने इन जे ज़रिए कराची खे अगरि आग में जो न धकेलनि जी कोशिशि करे में आई आहे त मां सम्झा थो की ही बुनियादी तौर ते त जो ज़िमेदार आहिनि न हुनखे तयूं थो करो न तव्हां तयूं ई कोन करो तव्हां त इशू ई कोन्हे समय न बसि हे लिपा पोती हुनखे जलियो हुनखे जलियो हुनखे जलियो को आम माण्हू जलियो हीअंर असां ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ मां तव्हांखां पुछंदमि कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार करणु घुरिजे त जीअं ऑपरेशन तव्हां सम्झो था त हीअ लिपा पोती आहे या हिकिड़ी फॉर्मेलिटी आहे त सही रिज़ल्ट हिन जा तव्हांजी नज़र में कहिड़ा हिकमत अमली तय थियणु घुरिजे सही नतीजा जेके आहिनि साम्हूं अची सघनि नाज़िन वक़्तु आहे ब्रेक जो वठूं था ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन जी यूनुस साहब कहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार करणु घुरिजे कहिड़ी हिकमत अमली तहत इहो ऑपरेशन करणु घुरिजे हिकिड़ो कहावत आहे कहाणी आहे उहो तव्हां ॿुधाए छॾी आहे बादशाह हो उहो बि पाण जे शहर जे अंदरि मुल्क जे अंदरि अमन अमान ते परेशान त उन्हनि खे उहो हिकिड़े दफ़ा वियो शिकार वठल त उते हिकिड़ो माण्हू सुठो ॾिसण में आयो हुनखे त उहो इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई हुन बादशाह सां त बादशाह चयो तंहिं करे मुंहिंजे वटि मूंसां गॾु मुंहिंजे ममलिकत जे अंदरि मां तव्हांखे इंसाफ़ जो चवंदो तव्हांखे ज़िमेदार बणायां थो त चयो चल ठीकु आहे मां तव्हां सां कमु करणु तयारु आहियां पोइ जॾहिं उन सामने को डाकू आयो कातिल आयो त बादशाह जो है वज़ीर चयो की जो कातिल आहे उहो असांजो रिश्तेदार आहे हिनखे हल्को हथु रखिणो आहे तो छा करियो उहो माण्हू उहो वज़ीर आज़म जे न ज़बान खपे कपिड़े कपिड़नि जी हुकुम ते छॾियो की वज़ीर आज़म ज़बान खपो की ही मुजरिम जी सरपरस्ती छो कयो समय न हिन सां हीउ थियो की हिन खां पोइ जो आहे न पूरे शहर जे अंदरि अमन क़ाइमु थी वियो त चवण जो मतिलबु इहो आहे की अगरि इंसाफ़ ॾिसे में अचे अगरि चवण जो मक़सदु इहो आहे त हाणे माण्हुनि जूं ज़बानूं कपियूं बाक़ी अदल ॾिसो न असल में सज़ा ई कोन्हे न तव्हां ॾिसो न हिते शाहज़ेब जो वाकियो आहे वीचारो जो है ना कतल थी वो लेकिन कातिल उनमें केड़ी हुकूमत जो फॉल्ट आ उ अदलिया जाने अदलिया में हले पयो अदलिया जाने अदलिया अदलिया में हले तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस वरतो आ उन जो भी इंसाफ थिंदो जदे कातिल के हर भी केतरा कातिल मौजूद है जो जे बाकायदा सजा मौत जो है ना वो ऑर्डर आ लेकिन सजा मौत रोकेल भी है छो अगरि तव्हां जो कैपिटल पनिशमेंट अगरि रोकंदा त मतिलबु इहो आहे की तव्हां कातिल इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां जमा इस्लामिया थी करे क़िसास ऐं दियत जी मुखालफ़त था कयो सुठी ॻाल्हि आहे न पोइ क़िसास ऐं दियत इस्लाम में आहे शरीयत में आहे जेकर हुन जा माइट वठंदा त तव्हांखे एतिराज़ु न थियणु घुरिजे बरहाल असां मौज़ू खां हटी वेंदासीं मसलो इहो आहे त हाणे हिन ऑपरेशन हिन हीअ जेका ऑपरेशन थी रही आहे ॾिसो उन में उन जा रिज़ल्ट एतिरो जल्दी साम्हूं न ईंदा पर मां वरी चवंदुसि त जेकॾहिं असां भला सियासी जमातुनि जो सियासी कारकुननि जो कहिड़ो फ़र्दु आहे सिर्फ़ु वाबेला कंदा रहंदासीं असांखे हल जी तरफ़ वञणु घुरिजे ऐं हल इहो ई आहे त बाबा नो टॉलरेंस विद क्रिमिनल एलिमेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स ते कंहिं बि क़िस्म जो टॉलरेंस नाहे ॾेखारिणो कंहिं क़िस्म जी बर्दाश्त नाहे ॾेखारणी जेको बि क्रिमिनल एलिमेंट आहे उहो मुस्लिम लीग नून में हुजे जमा इस्लामी हुजे पीपल्स पार्टी में हुजे एम क्यू एम में हुजे या एन पी में हुजे
उन के खिलाफ टॉलरेंस ना ॾेखारणी उन्हें साथ ना दियण कानून नाफिज कर इदार के हिम्मत जारी है बाबा तुम यो कम कर असा मा कें जमात की फोन तुम नहीं दी बस यो ही चाहूँ था जमात जो एक्स एमपीए गिरफ्तार हो छाए समझा तो इन कड़ो चंद डी में ऑपरेशन रिजल्ट प्रोग्राम सरकार नवा जिला कई है कराची की हदों में फेरफार कर लियारी जिलों ही ठटे के टोड़े सजावल जिलों ठाण जो फैसलो कर इनके दसो तमझो था वक्त कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की सूरत हाल है उन में इन तरह जो फैसला कर बेहतर साबित समझा तो इंतजामी बुनियादों से जिला ठहन घुर्जन लिंग्विस्टिक बुनियादन से न थियण घुर्जन या कें सरदार के अंदरूनी सिंध में मजबूत कर थियण घुर्जन पीपल्स पार्टी के कें एमपीए या कें एमएनए के मजबूत कर कें पीर मीर नवाब साहब के मजबूत कर जिला न थियण घुर्जन हाँ इंतजामी बुनियादों से जिला ठहण घुर्जन जैस तीन कराची जो तालुक है कराची के असा थोड़ो डिफरेंट डायनामिक में ऐसे वो इं ऐसे तो इन जो डायनामिक्स पेरियों का पेरियों भी कराची पंजन जिलन के चयो वेंदो हुयो जिमें मलीर जो जिलो हुयो जिमें बिया जिला हुया त आउं समझा तो कराची जे अंदर जेकने असां अमन अमान भी कायम करणो आ या हुआ भी इंतजामी तरीके से कराची में जिला ठहण घुर्जन लियारी के तवज्जो देनी जरूरत है लियारी में उन पसगिरदाई है जो उन आसपास ना गोठ आन उन में जरूरत है पर वरी भी सवाल ये पैदा थे तो जे उत मू रहन था उन राय तमाम जरूरी है ए जे सियासी जमातू आन जे उत नुमाइंदगी जिन जिनके मिलंदी रही है जरूरियात वो खटियल हुजन बहरहाल उन जेतरी जेतरी नुमाइंदगी मान जो उन्होंने वोट दिना उन्होंने के ऑन बोर्ड वही कर जिला ठाण के लिए एक कानून साजी की भी जरूरत है वह कानून साजी थियण घुर्जे तो बाबा जिलो केतरी आदमशुमारी हुजन घुर्जे केतरा उन इंफ्रास्ट्रक्चर वधी वे तो उन जिलो थियण घुर्जे उन डायनामिक मुख्तलिफ़ किस्म जो पैरामीटर्स तय थियण घुर्जन हर किस्म की शयन के मद्देनजर रखी करे वह कानून साजी थे वह कमेटी हुजन जो आईनी कमेटी हुजन जो ये फैसलो कन तो किथे जिला ठहण घुर्जन या किथे न ठहण मुख्तसर ब मिनट बचा जवाब तक वन चाहम तो इन वक्त जो कराची में ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन की सूरत हाल है उनमें तुम समझो था नवा जिला ठहण ऑपरेशन से कोई असर अंदाज न थी मुझे ख्याल में मौजूद सूरत हाल के अंदर ज़रूरत तो ही है कि इख्तियार तकसीम थिए निचली सतह तक पहुँचे इन हवाले से अगर को प्रोग्राम थे तो या ज़िले में तकसीम थे थी या मजीद ज़िला अगर या इंतजामी तौर तो बना मुझे तो मुनासिब है लेकिन बहरहाल खलील साहब से जो मुतफिक हैं कि एक तो ये कि सभी सियासी दुनिया के ऑन बोर्ड वो खपे कानून साजी बाकायदे थी खपे इन प्रोटोकॉल जो कुछ भी तो उनके फॉलो करो खपे बो वे इन जरिए बुनियादी तौर पर शहर या सूबे इनकी भलाई पेश नजर मदद नजर हो ना कि सियासी फायदे उठा वही महरबानी बिन्हीं मेहमान की प्रोग्राम में आया नाजिन अज की गाल प्रोग्राम के वक्त खत्म तो थे सुबह तीन मेज़बान सभी मेहमान के दींदा इजाज़त अल्लाह वाहिगुरु।